हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन्स एंड डॉक्टर, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर बताते हैं ड्रोन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रूल्स, एवरीथिंग और टेक जो मैं यूज करता हूं। तो ये बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि DJI MV2 रिलीज़ हो चुका है और कब तक वो इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप भी इससे बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस ऐसे वीडियोस का मैसेज मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको आपके क्वेश्चन का, इस बात का जवाब जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कब तक आएगा इंडिया में। अब देखिए, अब जो सिनेरियो चल रहा है एट प्रेजेंट इंडिया में और जो पहले था ड्रोन्स का, तो काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि COVID-19 का एंट्री हो गई है। अभी तक आवाजाही इंटरनेशनली तो क्या इंटर शहर भी नहीं हो रहा है ट्रांसपोर्ट। तो पहली बात, यही सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस वजह से MV2 का इधर आना में थोड़ा डिले हो जाएगा कंपैरेटिवली पिछले ड्रोन्स के मुकाबले। ये वाला जो ड्रोन है MV2 थोड़ा लेट आएगा। क्यों लेट आएगा आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं हो रहा है। यूजली बाहर से इम्पोर्ट होके आना है, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है और ऑफिशियली इम्पोर्ट भी नहीं होता है। तो आपको मालूम है किस तरह से घूम घुमा के आता है, और वो आता है बाहर से। और अभी तक बाहर से जो इंडियंस बाहर हैं वो मतलब नॉर्मली जो एक दूर से इधर से उधर जो ट्रांसपोर्ट था, एयर ट्रांसपोर्ट अभी शुरू नहीं हुआ है और आई थिंक 1-2 महीने लगेंगे उसको नॉर्मल होने में। एंड उसके बाद की बात है ये, तब ये यहाँ पर आगे पहुँचेगा। और उसमें जितना वक्त लग जाएगा, कम से कम 3 महीने तो मान के चले, 2 या 2 महीने तो कम से कम लगेंगे जैसे मुझे लग रहा है हिसाब, और जिस तरह से चल रहा है आजकल सब कुछ, तो उस हिसाब से 2 महीने को मान के चलिए, उसके बाद ये इंडिया में आएगा। अब काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसका रेट कितना होगा, तो प्लीज़ आप ऐसे मत करें कि यूजली लोग क्या करते हैं, इंडियंस यूजली बता रहा हूँ, वो जाते हैं साइट पे DJI की एंड दे सी द डॉलर्स। तो वहाँ पर वो $800 का है, $900 का है, एंड दे कन्वर्ट इट इन टू इंडियन रुपीज़, और फिर वो कहते हैं जी वो तो इतने रुपये का आ रहा है। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में बिठाइए कि इंडिया में ड्रोन्स इतनी ओपनली नहीं मिलते हैं जितनी ओपनली बाहर मार्केट में मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया था, वो बीच में रह गया। अभी बातचीत चल रही है कि DJI यहाँ पर अपने स्टोर्स खोले। एट प्रेजेंट DJI का कोई भी ऑफिशियल स्टोर इंडिया में नहीं है, ये आप अंडरलाइन कर लें बात। काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मुंबई में है क्या, कि दिल्ली में कोई है क्या, वहाँ पे साइट में उनके जो आते हैं नाम दिल्ली, एक दो और आते हैं, क्या वो ऑफिशियल स्टोर्स हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एज सच ऑफिशियल जो कहते हैं ना, जैसे स्टोर होता है, जैसे सैमसंग के यहाँ प्लाजाज हैं, सैमसंग स्टोर है, ऑफिशियल स्टोर्स, तो वैसा कोई भी स्टोर नहीं है। जितने वो एक दो नाम आपको DJI की साइट पर दिखते हैं इंडिया में, वो बेसिकली कैमरा डीलर्स हैं, कैमरे में डील्स करते हैं आपके पास, मतलब जाकर देख सकते हैं आप। और वो कैमराज, और नंबर दो आपको बताता हूँ, जब वो सेल करते हैं ड्रोन तो वो आपको ड्रोन का बिल नहीं देते हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी तक वो उतना मतलब ओपन मार्केट नहीं हुई है। ये वो आपको कैमरे का बिल देंगे, वारंटी का कोई कुछ नहीं अभी तक लेना देना। वहाँ पर आपको कहेंगे मिलेगी, सब कुछ होगा, पर वो एक्चुअल में आपको बताता हूँ वारंटी क्या होती है। वो कहते हैं आपका अगर कोई प्रॉब्लम आती है ड्रोन में तो वो हम वहाँ पर जो आउटसाइड इंडिया में इनका है, हांगकांग है शायद, वहाँ पर भेजते हैं ड्रोन को, तो वहाँ से फिर वो सर्विस होके, मतलब उसका खर्चा आपको देना है सारा। तो वारंटी और ये ऐसी चीज़ें अभी ड्रोन को लेके इंडिया में अभी नहीं हुई है स्टार्ट, तो इनको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, अब गवर्नमेंट अलग चीज़ों में उलझी हुई है तो वो अभी टाइम लगने वाला है लंबा। और ये इम्पोर्ट का भी बहुत सवाल आता है कब शुरू होगा, प्रोसीजर बन गया है लेकिन अभी नहीं शुरू हुआ है, तो प्लीज़ पेशेंट, बी पेशेंट। और जिस तरह से अगर आ रहा है अब अलग चैनल से आ रहा है ड्रोन, तो वो आपको उस रेट पे, मैसेज यही है कि उस रेट पे आपको नहीं मिल सकता जिस रेट पे बाहर मिलता है, वो काफ़ी महंगा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। अगर वहाँ $800 लिखे हैं और ₹70 का एक डॉलर है, तो 8 × 7 = 56, 56,000 का आपको MV2 नहीं मिलने वाला किसी भी कीमत पे, यहाँ पर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली 20-30,000 रुपये का मार्जिन लेके चलते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको 75-80 का ही वो पैक आएगा। फिर धीरे धीरे जब कंपटीशन कम होता होने लगता है मार्केट में, काफ़ियों के पास पैकेजेस आ जाते हैं समहाउ,
तब थोड़ा रेट डाउन होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सभी अपने सब्सक्राइबर्स से जो थोड़ा बजट फ्रेंडली लेना चाहते हैं और नया ड्रोन लेना चाहते हैं, वो भी मैवे मतलब लेटेस्ट वन, तो थोड़ा रुक के लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्राइस ड्रॉप मिलना ही वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल से यूनिट्स मिलते हैं ये वाले, तो प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा होता है। फिर कंपैरेटिवली काफ़ियों के पास जो इस चीज़ में लगे हुए हैं उनके पास सेट्स आ जाते हैं मॉडल्स, एंड देन दे जब कंपटीशन होता है तो फिर अपने आप थोड़ा डाउन हो जाता है। पर वो डाउन ऐसे नहीं होता कि आपको अमेरिका के रेट पे मिलेगा इंडिया में, वो कभी नहीं होने वाला। 20-21 हज़ार का फ़र्क हमेशा रहता है, तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। और वारंटी कुछ नहीं मिलने वाली आपको। बाकी जहाँ तक ब्रांड है DJI का, वो ही मैं आपको बता देता हूँ कि इट्स अ गुड ब्रांड, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तो जो जो भी है इंटरेस्टेड, अगर मेरे से काफ़ी बीच में कई बार कांटेक्ट करते हैं कि डीलर्स भी मेरे वीडियोस के ऊपर, तो कोई मुझे मिलेगा सोर्स तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जिस जिसको रिक्वायरमेंट है प्लीज़ लिखें कमेंट बॉक्स में। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन आई विल से अब तक, क्योंकि जो इन्होंने ऑक्यू सिंक, जैसे अगर आपको नहीं पता मैंने डिटेल्स की वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप जाके देखिए। एंड दिस इज़ द प्राइस रेंज और आपको टाइम दोनों मैंने बता दिया है। होप द मैसेज इज़ क्लियर। वेट करें, पेशेंस रखें, डेफिनेटली आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।